मंजिलें कितनी भी दूर सही, यदि रास्ते सुहाने होते हैं तो सफ़र मज़ेदार जाता है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग जर्नी टू गो। मैं हमेशा ना अपने ब्लॉग के जो स्टार्टिंग करती हूँ ना, रास्तों से करती हूँ, बिकॉज़ मेरा मानना है कि मंजिलें बाद में दिखानी चाहिए, पहले वहाँ तक पहुँचने का रास्ता दिखाना चाहिए। तो बस आज एक ऐसे ही रास्ते पे मैं निकल पड़ी हूँ राजस्थान के, जो अपने चारों तरफ हरियाली और पहाड़ और अच्छे से वेदर से घिरा हुआ है। इसका नाम है कुंभलगढ़। चलिए, फाइनली पहुंच गए। अब आज हम लोग रुके हुए हैं कुंभलगढ़ के तख्त विला रिजॉर्ट में। अभी बस हमारा लगेज निकल रहा है गाड़ियों से। ये है मेरी फ्रेंड, पगली फ्रेंड। यहाँ ना ये पूरा 7 रूम का रिजॉर्ट है। हम लोग तो कई सारे फ्रेंड्स हैं, इसलिए हम लोगों ने पूरी बुकिंग कर रखी है 7 रूम्स की। बट यदि आप लोग सिंगल सिंगल रूम भी बुक करते हो तो आप वो भी कर सकते हो। चलो, अब मैं आप लोग को यहाँ का अंदर का टूर कराती हूँ, आइए। ये पूरा रूम्स के बाहर का व्यू है। ये चारों तरफ ग्रीनरी है, बिल्कुल जंगल वाली फीलिंग है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इनके नीचे 3 रूम्स हैं एंड ऊपर 2 रूम्स हैं। ये देखो हमारे पगले बच्चे, इनको आती क्या होता है, बस आए रिजॉर्ट में और उनको पूल चाहिए, आते ही पूल में चले जाते हैं। देखो ऊपर बेटा खड़ा है, नीचे बेटी खड़ी है, दोनों पूल से आए हुए हैं। 5 रूम्स तो इनके इस साइड बने हुए हैं और 2 रूम्स इनके अदर साइड हैं, तो वो भी आपको दिखाऊंगी अभी। पहले मैं आपको यहाँ के रूम्स दिखाती हूँ। अभी मैं आप लोग को अपने वाले रूम में लेके आई हूँ, जिस रूम में मैं रुकी हुई हूँ। ये मेरा पूरा लगेज इधर उधर हो रखा है। यहाँ पे इन्होंने ये बना रखा है जगह सामान को रखने के लिए, और ये इनका पूरा बेडिंग वाला एरिया। अच्छा था, रूम बड़ा बना रखा था। और ये वॉशरूम भी खूब बड़ा है, बहुत स्पेशियस है और क्लीन था, सबसे इम्पोर्टेंट। और यह हमारे बाहर से का व्यू बहुत बढ़िया था। चारों तरफ आपको ये ग्रीनरी देखने को मिलेगी, बहुत ही प्यारा व्यू था। किसी भी प्रॉपर्टी में जाओ ना और आपको पूल बढ़िया ना मिले तो पूरा मज़ा किरकिरा हो जाता है। यहाँ का पूल देख के ना तो मन ही खुश हो गया, इतना बढ़िया पूल, चारों तरफ इतना प्यारा व्यू, सच्ची में बहुत ही सुंदर था, मन ही खुश हो गया, लवली। बड़ी प्रॉपर्टी लेने का और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप मन चाहे कैसे भी इंजॉय कर सकते हो। तो बस हम लोग भी यहाँ क्रिकेट प्ले करने लग गए थे, सारे बच्चे थे, हम लोग थे, बहुत ही मज़ा आया। अभी मैं आप लोग को प्रॉपर्टी की और भी जगह दिखाती हूँ। जो मैंने 5 रूम्स आपको साइड दिखाई दिए थे, अब जो 2 रूम बचे थे वो इधर थे। यहाँ से नीचे जाकर हमारे 2 रूम्स थे, इधर साइड में किचन है और हम नीचे जाएंगे अभी, वहाँ पे रूम्स हैं। ये कितना बड़ा पेड़ है यार। चलो अब नीचे चलते हैं, रूम्स देखते हैं। इतनी बढ़िया हवा चल रही थी और नीचे से भी ना बाहर का कितना सुंदर लग रहा है ना। अब रूम देखते हैं, आइए। लाइट ओपन करने की कोशिश कर रही थी लेकिन हुई नहीं, कोई नहीं, ऐसे ही दिखा देती हूँ रूम आप लोगों को। ये है हमारा सिटिंग एरिया, अच्छा बना रखा है ये भी, कोई फर्नीचर की ज़रूरत नहीं है, सोफ़े वगैरह की, इन्होंने पत्थर से ही ये सब बना दिया। ये हमारा बेडिंग एरिया, यहाँ LED वगैरह सब लगा रखी थी। साइड में एक विंडो थी एंड एक दूसरी विंडो भी थी, ये देखिए। अरे वाओ, यहाँ से तो बहुत ही प्यारा व्यू देखने को मिल रहा है हमें। अब देखते हैं वॉशरूम, ये है हमारा वॉशरूम। वॉशरूम भी अच्छा था, छोटा था। ऊपर के जो वॉशरूम्स हैं ना रूम के, वो थोड़े बड़े हैं और नीचे के रूम के वॉशरूम थोड़े छोटे हैं। अब हम लोगों ने ऊपर के रूम्स भी देख लिए, नीचे के रूम्स भी देख लिए, अब बाहर की प्रॉपर्टी देखते हैं। अभी मैं किचन की साइड आई हूँ, यहाँ पे ये लोग कुक कर रहे हैं अंदर, ये देखो सामने से। मस्त है ना। यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे, ये है इनकी बड़ी सी किचन। यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स भी इन लोग के साथ लग गए थे,
कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, हद है यार। यह है हमारा बाहर का, ये बाहर की देखो छोटी सी रोड देखो, चारों तरफ हरियाली और बीच में रोड, कितनी प्यारी लग रही थी। और ये आ गया डाइनिंग एरिया, पूरा डाइनिंग एरिया भी बड़ा था, यहाँ पर आराम से डिनर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं बाहर, ये आ गया हमारा पूरा बाहर का एरिया। बारिश आते ही ना जगह और भी ज्यादा शानदार हो गई थी। जगह बहुत ही अच्छी है, यदि आप लोग कुंभलगढ़ आते हैं तो यहाँ पे आके आप स्टे कर सकते हैं। मॉनसून टाइम में ये जगह और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। यहाँ का जो प्राइस है वो भी बहुत रिजनेबल है। हम लोगों ने तो पूरी 7 रूम की प्रॉपर्टी ली थी, तो हमसे इन्होंने लिए हैं 15,000 और ब्रेकफास्ट इंक्लूड किया है। आप लोग यहाँ सिंगल सिंगल रूम्स भी ले सकते हैं, बिकॉज ये रिजॉर्ट है। और इनका रूम का जो प्राइस है वो 3,000 या फिर 3,500 के अराउंड पड़ेगा आप लोगों को। ये लोग मील भी इंक्लूड करते हैं पैकेज में, तो आप उनसे वैसे भी बात कर सकते हैं। चलिए अब टाइम हो गया था कुंभलगढ़ से और आप लोगों से अलविदा लेने का। मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कुंभलगढ़ का आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, अभी के लिए बाय बाय।